हाँ बताइए आपने अभी। मैं एक्चुअली मैं पिछले 3-4 दिन से सेम होटल में रह रही थी, लेकिन बस उनको मिलना नहीं हो रहा था। मैं सारा दिन वेट करती थी, जैसे ही मैं जाती थी वो लोग आ जाते थे। तो आज मुझे पता था ये लोग जा रहे हैं। बहुत सारे फैंस थे नीचे, उनको मिलने आए थे। तो ये सिद्धार्थ और शहनाज दोनों आए और फटाफट जाके कार में बैठ के, बिकॉज वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, उनकी फ्लाइट थी। लेकिन सब फैंस इतने ज्यादा थे तो फैंस ने उनको एकदम से घेर लिया और बेचारे बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा रहे थे। तो मैं उनके साथ मैं फोटो तो नहीं खिंचा पाई, लेकिन हाँ मैंने कल शहबाज के हाथ उसके लिए गिफ्ट्स भेजे थे, सिद्धार्थ के लिए और शहनाज के लिए। तो शहनाज ने आज मेरा पर्स लिया हुआ था एयरपोर्ट लुक के लिए, तो मुझे बस, मैं तो वो वाह, चलो पर्स देख के ही खुश हो गई। बस अच्छा हुआ। हाँ, मैं वो पर्स देख के, और बहुत प्यारी, इतनी दुबली पतली सी, चुई मुई सी लगती है बिल्कुल शहनाज। और सिद्धार्थ भी बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग दोनों, और दोनों इकट्ठे थे। फिर राघव ने सब फैंस को, राघव पीछे हटा रहा था तो, लेकिन एयरपोर्ट यही दोनों गए हैं इकट्ठे बस। चलो अच्छा हुआ, आपका हाँ गिफ्ट तो पहुंच गया इनका। हाँ अब ये लोग पहुंचेंगे तो आई यानी अगर ले ले कोई उसका बंदा बॉम्बे में हो ओके, तो फिर वो है। बट दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और सब लोग, इतना इनको यहाँ से प्यार मिला है। शहनाज तो ऑलमोस्ट टीयर्स में ही है, या तो अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही है तो इसके लिए, क्योंकि उसकी मम्मी इतने दिन से उसके साथ होटल में ही है, शहबाज भी होटल में ही है उसके साथ इतने दिन से। शहनाज गॉट इमोशनल। हाँ वेरी इमोशनल, वेरी, शी हैड टीयर्स इन हर आईज, एवरी डे शी हैड टीयर्स इन हर आईज। सब सब मुझे जो फैंस आते हैं, मैं सबसे बात करती थी। लोग रोज, कई तो ऐसे रोज उनको मिलने के लिए आते हैं, तो बहुत। लेकिन वो बस एक प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी आंटियां होती हैं जो ऐसे झपट्टे मारती है ना कि कोई और मिल ही नहीं सकता है उनको, तो दैट इज बैड। यू नो आई फील कि तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और आई मीन अभी दैट्स अभी माय वीडियो आया रिक्वेस्ट टू द है, फैंस, बिकॉज, और आप उसमें लोग को साफ दिख बिलीव, रहा है। हाँ, और आप लोगों को बिलीव नहीं होएगा, कृति सैनन सेम होटल में ठहरी हुई है और मैं बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी और काफी सारे फैंस थे। कृति सैनन लॉबी में से निकली है, सब बोल रहे हैं कृति सैनन है, लेकिन कोई कृति सैनन के पास नहीं गया उसकी फोटोग्राफ लेने, उसके साथ फोटो लेने के लिए या उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। लोग सिर्फ शहनाज और सिद्धार्थ की वेट कर रहे थे। तो ये फैंडम है इनका। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, जी, हाँ, एक मिनट होल्ड करना अमन। हाँ जी, ओके ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अच्छा, ओके, हाँ अच्छा, ये लोग जो पवन जा रहा है जिसमें, सेम फ्लाइट में जा रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं, दैट्स ओके, है ना, आप ठीक है। अच्छा मेरे को अमन को ये सारी स्टोरी सुनाने दो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ अमन, वाओ, कुछ कुछ तो बढ़िया लगता है। मेरे हस्बैंड का फोन था, वो नीचे लो, क्योंकि मैं लाइव जा रही थी ना तुम्हारे साथ, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं तो नीचे जाके बैठ के, तो उनको शहबाज मिला अभी, क्योंकि शहबाज मेरी कल बात करवाने वाला था शहनाज से, मेरे को शहबाज मिला था। तो कहता कि कल ना वो बहुत सेंटी थी, बहुत रो रही थी बहुत, इसीलिए वो मतलब कि किसी से बात नहीं कर पाई कल। तो कहता है लेकिन मैं आपकी वीडियो कॉल करवाऊंगा शहनाज से,
और कहता है मैं भी अभी प्रीति मैम को मैं भी अभी वीडियो कॉल करता हूँ, और शहबाज ने अपना नंबर शेयर किया, मैं दूंगी नहीं किसी को, पर शहबाज ने मेरे हस्बैंड के साथ अपना नंबर शेयर किया और कहा कि मैं आपसे उसकी वीडियो कॉल करवाऊंगा शहनाज की। और उसने ये बोला कि जो पर्स मैंने शहनाज को दिया वो सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा अच्छा इसीलिए मैं खुश हो गई थी हाँ ओ तो वाह मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है मैं तो मतलब ये फोन मैंने कहा फोन रखो मैं अमन को बताऊं पहले एंड आई एम ओके ओके सॉरी आई एम नॉट वेयरिंग माय स्पेक्स आई एम नॉट रीडिंग एनी कमेंट्स बिकॉज़ आई एम जस्ट टू एक्साइटेड आई एम सॉरी एवरीबॉडी नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग पॉजिटिव हैं और खुश हैं आपकी बात। हाँ जी हाँ जी ठीक है अमन। और एक्चुअली में हम लोग है ना अभी मैं फिर से कभी लाइव डेफिनेटली आऊंगी अमन के साथ में, एंड आज एक्चुअली में हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग हिमाचल घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं ज्यादा लंबा लाइव नहीं कर सकती। बट प्रीति जी, मैं ये अमन लाइव शेयर कर आई सकता हूँ ना रियली लव यू यूट्यूब? अलॉट, अमन आई रियली लव यू अलॉट, तुम बहुत अच्छे काम करते हैं अमन, भगवान तेरे को सारी खुशियां दे दुनिया की, ठीक है ना, थैंक यू सो ये मच मेरी दुआ है तेरे लिए फॉर योर ब्लेसिंग, होप सब ठीक है कुछ ना। अच्छा होगा और मेरे मैंने साथ। तेरे को बोला था मुझे जो भी पता चलेगा मैंने तुझे डे वन से बोला था मैं तुझे ही बताऊंगी, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। मैंने फोटोग्राफ्स नहीं ली बट आई थिंक उनका एयरपोर्ट लुक आ जाएगा, तो आप लोग ये बैग देख लेना एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि सिद्धार्थ को मेरा बैग होप आपकी ग्रो कुछ अपडेट करें तो बताना, ठीक है? अच्छा हाँ जी डेफिनेटली ठीक है और मैं बाय लाइव शेयर कर एवरीबॉडी। सकता हूँ ना यूट्यूब पे ये हाँ जी हाँ जी लाइव बिल्कुल नो पे? थैंक प्रॉब्लम, हाँ हाँ नो यू प्रॉब्लम, सो बाय मच, एवरीबॉडी, सी यू एंड लव यू, बाय। थैंक यू टीटी जी, बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बहुत अच्छा लगा प्रीति जी से बात करके, उनने सब कुछ शेयर किया कैसे क्या था, सो मैं ये लाइव शेयर कर देता हूँ, ठीक है? बस इनसे ही बात करने के लिए आया था। ओके, कीप सपोर्टिंग सिग्नल्स। ओके, प्रीति जी ने मुझे अपडेट किया था, वैसे ही मैंने आप सबको अपडेट किया।